सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। यदि आप शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो आपको अब सजग होने की जरूरत है, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब पलामू में जिला परिवहन पदाधिकारी के पास ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध हो गया है। अब वाहन चालकों को चेक किया जाएगा कि कहीं वो शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहे, और यदि आप शराब पीकर वाहन चला रहे पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा कई सारे नियम बनाए गए हैं जिससे सड़क हादसों पर लगाम लग सके। बावजूद जिस तरह से सड़क हादसा में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसका अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती है उसमें वाहन चालक या तो नाबालिग होते हैं, यानी कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, या फिर वो शराब का सेवन किए होते हैं। अभी हाल के दिनों में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि लेस्लीगंज में किस तरह से सड़क हादसा हुआ था, तो वहाँ भी जो बात सामने आई थी कि जो ड्राइवर था वो नशे में था। तो अब पलामू में नशा करके वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा रोड सेफ्टी के यहाँ मैनेजर हैं, आईटी मैनेजर, इनसे हम बात करेंगे। अब पलामू में अल्कोहल मशीन आ चुकी है कि अब यदि आप शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो मशीन से चेक किया जाएगा, और यदि आप शराब पीकर वाहन चला रहे हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो हमारे साथ हैं गौतम सर, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो इस मशीन का नाम क्या है और इसका फंक्शन क्या है, कैसे इसे ऑपरेट करेंगे आप? ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन है जिसे अल्कोहल पी के जो व्यक्ति वाहन चलाते हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। अगर वो एक लिमिट है उसके अधिक शराब का यूज़ किए हुए हैं तो अगर आती है चेकिंग में तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में उनकी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन हो जाएगी 3 महीने के लिए, और वो लिमिट कितना 30 ml तक की लिमिट है, उसके ऊपर आती है चेकिंग में तो उसकी उस पर कार्रवाई चालू हो जाती है। इसमें पहला है कि 3 महीने तक की सस्पेंशन है ड्राइविंग लाइसेंस और वो जेल भी जाने के लिए रहेंगे अगर सेकेंड टाइम पकड़े जाते हैं तो जी। तो सबसे पहले ये मशीन हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आप मशीन को दिखाइए, और इसे कैसे टेस्ट करेंगे ये भी हम आपको कैपिटल न्यूज़ पर दिखाएंगे। पहली बार कैपिटल न्यूज़ पर आप देख सकेंगे कि मशीन से कैसे टेस्ट किया जाएगा, और 30 ml से यदि अधिक अल्कोहल की मात्रा होगी तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा 3 महीनों के लिए, और यदि दूसरी बार भी आप शराब पीकर वाहन चलाए पकड़े जाते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं। तो जुर्माना भी है, 2000 तक की जुर्माना भी रखी गई है। नाबालिग युवक यदि बाइक चला रहे हो तो उसमें अलग नहीं, इसलिए किसी के लिए भी है, शराब पी के चलाना नाबालिग हो या फिर बड़े हो, सभी के लिए मना ही है जी। और इसको टेस्ट करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए पहले एक ब्लोअर सिस्टम से उनसे सांस का लिया जाता है, कुछ सांस छोड़ेंगे उसी से डिटेक्ट होती है, तो आप आगे पे चेक करना चाहेंगे। इसमें सांस दूर से छोड़िएगा, और जोर से थोड़ा और करके जोर से फेंकना, नीचे देते जाइए। हाँ, एनालिसिस हो गई। देखिए चेकिंग में पकड़े गए इनका 0% 0 mg है। 0 mg मतलब मैंने अल्कोहल का सेवन एकदम नहीं किया है इन्होंने, और मेरे शरीर में जितना अल्कोहल रहेगा वो यहाँ दिखेगा। कोई भी व्यक्ति अगर शराब का पीता है तो मान के चलिए हुए 6 से 7 घंटे तक उनके बॉडी में रहती है, या आइदर ब्लड में चल जाती है कुछ पोर्शन आपके यूरिन से निकल जाती है, और कुछ उनके फेफड़े में रहती है, जिसके कारण में ब्रेथ टेस्टिंग में फेफड़े के द्वारा भी टेस्ट होती है, सेंसर उसको कैच करती है। तो आपने देखा किस तरह से ये मशीन है जो अल्कोहल जांच करेगा आपके शरीर में कितना मात्रा है अल्कोहल का। तो अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, पलामू के हर चौक चौराहे पर रोड सेफ्टी के जो कर्मी हैं वो मौजूद रहेंगे और यह जांच करेंगे कि कहीं शराब पीकर कोई वाहन तो नहीं चला रहा।